नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज सिक्स माइक्रोफेरेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डायलैक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम थर्टी माइक्रोफेरेड हमें बताना है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगी ठीक है यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी नहीं परमिटिविटी बतानी है सो so, सिंपल सी कहानी है uh, कि यह आपका कैपेसिटर है उसके अंदर आपने पहले जब डायलैक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तो उसका कैपेसिटेंस था सिक्स सो दिस वॉज सिक्स माइक्रोफेरेड अब इसके अंदर आपने डायलैक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है आ, ऐसे के उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो उसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम लिखते हैं के टाइम्स सी डैश विल बी इक्वल टू के टाइम्स सी और जो नई वैल्यू है आ, वो हो गई आपकी थर्टी और ओरिजिनल वैल्यू थी के टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू थी सिक्स विच एम्प्लाइज आपकी के की वैल्यू आ गई फाइव ना यह है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे हमसे एब्सोल्यूट पूछी है सो so, आपकी परमिटिविटी विल बी इक्वल टू एप्स रिलेटिव परमिटिविटी इसको के लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई एप्सलॉट तो दिस विल बी फाइव मल्टीप्लाइड बाई एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा सो so, इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो so, चार फॉर्मेट जो उन पर एक बार ध्यान दे लेते हैं टेन टू दावर थर्ड अलेट सो इसे जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव तो फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व हुआ और इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फोर फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन सो दिस वुड बी आर फाइनल आंसर